दूसरा, मैं इस बात को मानने के लिए कई जगह लोगों ने मुझे कहा कि मजबूरी में हम कांग्रेस को साथ देते हैं, तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है प्राचा साहब, प्राचा साहब को मैंने दिल्ली के ऑफिस में कहा, देखो एक बीजेपी नेशनल लेवल की पार्टी है, एक कांग्रेस ब्राह्मणों की नेशनल लेवल की पार्टी है, और भी पार्टियां है मगर ये दो मेजर है, इसके बराबरी की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बराबरी की पार्टी 17 मई को बन जाएगी। मैंने सुनिए सुनिए, पहले पूरी बात सुन लिया, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, समझ लो पहले। मैंने डॉक्टर मैंने एडवोकेट महमूद प्राचा को दिल्ली के ऑफिस में कहा, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और मैंने उनको कहा प्राचा साहब के मुसलमानों की संख्या 15% है और दिल्ली के गद्दी पर मुसलमानों ने कांग्रेस को आज तक पहुंचाया, 15% मुसलमान निर्णय कर ले तो 17 मई को बीजेपी और कांग्रेस के बराबरी का दल पार्टी खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे, इतने जल्दी में कैसे हो जाएगी, तो मैंने उनको समझाया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, कोई ऐसा ही एरिया गहरिया नथो गहरिया नहीं, उनको कहा, तो उनको मैंने, उन्होंने कहा कैसी, तो मैंने कहा देखो मुसलमान एक पार्टी को चुन ले और वो इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार मजलूमों की चुन ले एक पार्टी, और उस पार्टी के पास 0 वोट है। मैंने कम से कम ये कहा कि उस पार्टी के पास 0 वोट है, मुसलमानों के पास 15% है, और ये 0 पार्टी वाला, मैंने कहा बुरी भाषा में थोड़ा समझाओ तो जल्दी समझ में आ जाएगा, मैंने कहा एक गधा पार्टी बनाते हैं, पार्टी का नाम गधा पार्टी, समझाने के लिए कहा। मैं आपको बता रहा हूं, प्राचा साहब यहां नहीं है, नहीं तो वो इस बात की तायद कर देते कि हाँ ऐसा कहा था। तो प्राचा साहब को मैंने कहा कि ये गधा पार्टी बनाते हैं, अगर 15% लोग माइनॉरिटी के यदि गधा पार्टी को वोट दे देते हैं 16 मई को, तो 17 को रिजल्ट, 16 का रिजल्ट आएगा, और 17 मई को 15% वाली एक नई पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले की खड़ी हो जाएगी, गधा पार्टी। अली साहब समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई भी बताने वाला नहीं, गधा नाम की पार्टी 17 मई को इक्वल मजबूत पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बराबरी की पार्टी। अब आप जानते हो कांग्रेस को कितने वोट पड़े, 18.5% वोट, और इसमें 15% तो मुसलमानों के ही है, अब माइनस कर दो अली साहब, ये माइनस कर दो तो कितना रहेगा, 3.5%। और अगर कांग्रेस को दिए हुए 15% वोट अगर उन्होंने किसी गधा पार्टी को दे दिया होता तो कांग्रेस का वोट 3.5 और इस पार्टी का वोट 15% गधा पार्टी का तीसरे नंबर की नहीं दूसरे नंबर की पार्टी मुसलमान 17 मई को खड़ा कर लेते। जो बता रहा हूं ये आज भी आने वाले समय में भी पॉसिबल है, कल भी पॉसिबल है। देखो एक एमएलए को जो शेड्यूल कास्ट का है, सबसे कमजोर आदमी है, सबसे नालायक आदमी है, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के साथ गद्दारी करने वाला आदमी है, कांग्रेस उसको पिकअप करती है, गद्दार है, देखो उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, उसको पिकअप करती है, उसको एमएलए का टिकट देती है, एमएलए का टिकट देने के बाद उसको एमएलए बना देती है, इलाके के शेड्यूल कास्ट के लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं चुनाव के बाद। अली साहब समझ रहे, राजनीति राजनीति समझा रहा हूं, ये बहुत माइक्रो राजनीति है। उसी तरह से 15% मुसलमानों ने यदि मजलूमों के किसी संगठन को अगर पार्टी गधा पार्टी बनाकर उनको स्वीकार करते तो दूसरे नंबर की पार्टी बन जाती, तो आपको यह कहने का अवसर नहीं है कि मजबूरी में गधे को मजबूरी में हमने दुश्मन को चुना। मजबूरी किसने पैदा की, दुश्मन ने पैदा की,
दुश्मन की पैदा की भी मजबूरी मुसलमानों की मजबूरी कैसे हो सकती है? क्या मुसलमानों के बारे में ब्राह्मण लोग फैसले कर रहे हैं क्या? बीजेपी वालों ने संकट खड़ा किया, आरएसएस वालों ने मुसलमानों के सामने संकट खड़ा किया, क्या वो मुसलमानों के दोस्त है क्या? नहीं ना, वो तो दोस्त नहीं है। उन्होंने अगर संकट खड़ा किया, उन्होंने अगर मजबूरी खड़ा किया, तो उनकी मजबूरी जो उन्होंने पैदा की हुई मजबूरी है, अगर उसके अनुकूल आपने उसके आधार पर फैसला किया, तो आपका फैसला तो बीजेपी ने किया, आपका फैसला आपने कहा किया, आप लोगों का फैसला बीजेपी ने किया, क्योंकि मजबूरी उन्होंने पैदा की और मजबूरी को आधार बनाकर आपने फैसला किया। इसका मतलब फैसला तो बीजेपी ने किया, फैसला तो संघ परिवार ने किया। समझ रहे? तर्क संगत बात बता रहा हूं, आपने कहा किया, यही तो मैं बोल रहा हूं। फैसला करना नेतृत्व करने की योग्यता है। अगर भय पैदा करके, कोई भय पैदा कर रहा है और आप भय को आधार बनाकर फैसले कर रहे हो, आप कहां फैसले कर रहे हैं? आप कहां फैसले कर रहे हैं? वो तो भय फैसला करवा रहा है, आपसे भय फैसला करवा रहा है, और भय संघ परिवार ने पैदा किया, इसका मतलब है आपके फैसले संघ परिवार ले रहा है। आप कहां फैसले कर रहे हैं? इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भय के आधार पर लिया हुआ फैसला, अगर कोई ये कहे नहीं हमने डर की वजह से थोड़ी लिया फैसला, हम थोड़ी डरते उसको, ये बयान हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, मैं टेस्ट करूंगा आपके फैसले का मेरिट, आपने फैसला क्या किया। अगर आपने कांग्रेस को समर्थन करने वाला फैसला किया तो भय की वजह से ही किया। आप चाहे कुछ भी बयान करो कि हमने डर की वजह से फैसला नहीं किया, ये तो बयान है, डर की वजह से हमने फैसला नहीं किया, ये केवल बयान है। व्यवहार कहां है? आपका टेस्ट, प्रोफेसर लास्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, इंग्लैंड का फेमस थिंकर आदमी प्रोफेसर लास्की, वो क्या कहता है, द एक्ट्स ऑफ द मेन्स इज अ रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर थॉट्स, द एक्ट्स ऑफ द मेन्स इज अ रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर थॉट्स। ये अंग्रेजी का सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं, इस समझने के लिए थोड़ा दिक्कत है, ट्रांसलेट करके बताता हूं। आप जो कहते हो, आप जो बोलते हो, आज जो बता रहे हो, वो आपकी विचारधारा नहीं है, आप जो करते हो वो आपकी वास्तविक विचारधारा है। अली साहब समझ रहे? मैं आपको इसीलिए कोट कर रहा हूं कि आप, मैंने जो समझाया उसको आपने समझने ना समझने की वजह से आप मजबूरी के सिद्धांत का डिफेंस कर रहे थे। मुसलमानों के सामने कोई मजबूरी नहीं है, मुसलमान, मैं एक और भी बात मुसलमानों को बताई, प्राचा साहब को बताई, मैंने कहा बताओ प्राचा साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है तो कांग्रेस ने मुसलमानों का सत्यानाश करने का कुछ बचा के रखा है जो नरेंद्र मोदी करेगा? बहुत खास बात मैंने उनको पूछा, प्रचार को भी मालूम है, ये बातें मैं करते रहता हूं, मैंने उनको पूछा, प्राचा साहब मुझे ये बताओ कि कांग्रेस ने जितना मुसलमानों का सत्यानाश किया, अभी मुसलमानों का सत्यानाश करने के लिए कुछ बचा हुआ है क्या? और अगर बचा हुआ नहीं है और आ गया नरेंद्र मोदी, क्या कर लेगा? साला बचा हुआ है ही नहीं ना कुछ, मुसलमानों का सत्यानाश करने का बचा हुआ ही नहीं है, तो अब नरेंद्र मोदी क्या कर लेगा? जैसे साहब समझ रहे ना, क्या बचा हुआ है? मुसलमानों का इतना ज्यादा सत्यानाश हुआ है, इस सच्चर कमीशन का रिपोर्ट पढ़ लो, उसके रिकॉर्ड में, और